सो हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग बेस्ट क्वालिटी का पोस्टर कैसे एडिट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, सेम ऐसा ही पोस्टर आप लोगों को मैं एडिट करने के लिए बताऊँगा। अगर आप लोग कॉमेडी वीडियो शूट करते हैं, या मतलब अगर इस वीडियो के सिलसिले में, या आप अपना फ़ोटो एडिट करना चाहते हैं, या अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड एडिट करना चाहते हैं, मतलब फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, तो ये ऐप से जो मैं बताने वाला हूँ, इस ऐप से आप लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और ये मैं सब करके दिखाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो जब भी लेकर के आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग एक से एक ऐप ढूंढ करके आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली आप लोगों को उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को अपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ पे टाइप कर देना है पिक्सआर्ट, जो कि मीनिंग बगल में दिखाई दे रहा होगा। तो इसको मेरे में इंस्टॉल है तो मैं ओपन करता हूँ, आप लोग इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप लोग सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा पिक्सआर्ट का, देख सकते हैं ये पिक्स आर्ट का होम पेज है। तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पे जो नीचे प्लस का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर से आप लोगों को यहाँ पे एडिट ए फोटो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें से आप लोग सबसे पहले अगर पोस्टर एडिट करना चाहते हैं, या फिल्म का पोस्टर एडिट करना चाहते हैं, कॉमेडी का पोस्टर एडिट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोग एक बैकग्राउंड ले लीजिए। सिंपली मैं अपना बैकग्राउंड एक ले रहा हूँ, तो देखता हूँ मेरा कौन सा बैकग्राउंड है। तो देख सकते हैं मैंने ये बैकग्राउंड पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ था, ये ऐड दे रहा है क्लिक करने पे। इसको आप लोग स्किप कर दीजिएगा, मैं यहाँ से स्किप कर देता हूँ। इसे स्किप करने के बाद सिंपली ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मैंने KGF का इसके मतलब वहाँ से गूगल से डाउनलोड किया था। और फिर से आप लोग इसको टूल्स पे क्लिक करके अपने साइज़ में काट लेना है। जैसे कि मुझे यूट्यूब पे अपलोड करना है तो यूट्यूब साइज़ ही तो काटूंगा ना, तो यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक कर दीजिए। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में ये दिया है यूट्यूब साइज़, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे फेसबुक साइज़ भी दिया है, इंस्टाग्राम साइज भी दिया है। तो सिंपली मुझे यूट्यूब पर अपलोड करना है तो यूट्यूब साइज़ में कर लेता हूँ। यूट्यूब साइज़ करने के बाद यहाँ पर सही आइकन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस फोटो को थोड़ा सा कलर में कर लीजिए, उसके लिए टूल्स पर क्लिक करना है। टूल्स पर क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कर लीजिए, सभी सभी में से थोड़ा सा थोड़ा मिला लीजिए। देख लीजिए कहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, जिस हिसाब से आप लोगों को अच्छा लगे उसी हिसाब से मिला लीजिए। तो मैं इतना पे ही रहने दे रहा हूँ, बहुत ही मस्त लग रहा है। तो सिंपली यहाँ पर सही का आइकन पर आप क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब सिंपली आप लोगों को उस एक्टरों का फोटो ले लेना है जो लोग इस वीडियो में काम किए हैं। तो आइए सबसे पहले उसको हम बैकग्राउंड हटा लेते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं हटाएंगे तो यहाँ पे उसका बैकग्राउंड दिखाई देगा तो मज़ा नहीं देगा। तो इसके लिए सिंपली आप लोगों को कट कर देना है। यहाँ से कट करने के बाद सिंपली आप लोगों को अपने गूगल में चले जाना है। गूगल में आने के बाद रिमूव VG आप लोगों को सर्च कर देना है। यहाँ पर इतना सर्च करेंगे तो ये फर्स्ट नंबर पर एक लिंक आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपली ये जो आप लोगों को अपलोड इमेज दे रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद ये आपके गैलरी में चला जाएगा। तो इसमें जो भी फ़ोटो है अभी यहाँ पे दिखाई देगा, थोड़ा यहाँ पे ब्राउज़र पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करना है, सिंपली आप लोगों को नीचे आना है। यहाँ पे फोटो दे दिया है, जिस भी फोटो का आप लोग बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं उस फोटो को ले लीजिए। तो मान लीजिए मैं इस फोटो का चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ, मतलब आप लोग बैकग्राउंड कैसे हटा सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसका बैकग्राउंड हट चुका है। यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अब फिर से इसको कट कर दीजिए डायरेक्ट। कट करने के बाद फिर से आप लोग पिक्स आर्ट में आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं ये यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो सिंपली आप लोगों को इधर आना है और जो फोटो मतलब जितनी भी फ़ोटो आप लोगों को लगाना है उसका मतलब वहीं से जा करके PNG बना लीजिएगा। फिर से आप लोगों को यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करना है। देख सकते हैं ये जो मैंने बैकग्राउंड हटाया था वो फोटो यहाँ पर आ चुका है। तो मुझे इसको नहीं लेना है, बस केवल मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया था। तो मैंने PNG काट करके रखा हुआ है पहले से। तो देख सकते हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें से एक फ़ोटो ले रहा हूँ। देख सकते हैं इस हीरो को मुझे लगाना है तो मैं ये वाला फ़ोटो ले रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक कर देना है, फिर ऐड पे क्लिक कर देना है। अब इसको अपने हिसाब से लगा दीजिए, जहाँ कहीं पे भी लगाना चाहते हैं। तो और गाइस यहाँ पे क्लिक करके डिब्बे के आइकन पे यहाँ पे क्लिक करके इसको कम कर दीजिए, इसको फुल कर दीजिए। फिर आप लोग इसको यहाँ से करके यहाँ से थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा डाउन कर दीजिए, ताकि ये पता ना चले कि अलग से लगा हुआ है। फिर से सही के आइकन पर क्लिक कर दीजिए।
सो गाइस देख सकते हैं इतना बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। थोड़ा सा और मैं कम कर दे रहा हूँ, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। फिर से सही के आइकन पे फिर से यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक करने बाद ऐड फोटो फिर से क्लिक कीजिए, और भी फोटो रखे होंगे तो उस फोटो को ले लीजिए, मतलब जितने भी फोटो लगाने हैं। तो मैं जो जो फोटो लगाना है मैं वो फोटो ले ले रहा हूँ। अब फिर से मुझे लगाना है ये वाला फोटो, तो मैं ये वाला फोटो ले ले रहा हूँ। फिर से ऐड पे क्लिक कर दीजिए, फिर से इस पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके इसको कम कर दीजिए, इसको फुल, इसको इतना करके इसका भी नीचे का गायब कर दीजिए ये सब अंगुलियों से अपने, ताकि पता ना चले कि अलग से लगाया गया। फिर से सही के आइकन पे क्लिक कर दीजिए। अब इसको जहाँ कहीं पे भी एडजस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। फिर से यहीं पे क्लिक करके फिर से ऐड फोटो पे आना है, और भी फोटो ले लीजिए। मैं फिर से इस हीरो का फोटो लेना है, तो मैं इस हीरो का भी ले ले रहा हूँ। फिर से ऐड पे क्लिक कर दीजिए, इसको इस साइड में कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, और ऐसे करेंगे तो इस साइड से हो जाएगा। फिर से आप लोग इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, इसका भी नीचे का मिलान कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक करके इसको कम कर दीजिए, इसको फुल कर दीजिए, और ऐसे मिला लीजिए। फिर से सही के आइकन पे क्लिक कर दीजिए, तो अपने हिसाब से सेट कर दीजिए। तो मेरा इतना पे सेट हो गया है। तो फिर से मैं और भी एक फ़ोटो रखा हूँ, तो उसको भी ले ले रहा हूँ। तो ऐड फोटो पे क्लिक करके उस फोटो को ले लीजिए। तो आइए मैं देखता हूँ कहाँ पे है ये वाला, ये है, तो इसको ले लेता हूँ। फिर से ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे ला दीजिए, इसका भी नीचे का जो हिस्सा है उसको गायब कर दीजिए। फिर से यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक करके इसको फुल कर दीजिए। तो देख सकते हैं ये हो चुका है। फिर से यहाँ पे सही के आइकन पे क्लिक कर दीजिए, फिर से थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिए। सो गाइस देख सकते हैं अभी बहुत ही बेहतरीन लग रहा है ये, यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। और इसका जो लिखावट है दोस्तों आप लोग ले लीजिए। तो इसको सबसे पहले जहाँ जहाँ पे है इसको एडजस्ट यहीं पे कर दीजिए, तो सही के आइकन पे क्लिक कर दीजिए। अब ये जो जो फोटो आप लोग जहाँ पे लगाए हैं वो यहीं पर सेट हो चुका है, देख सकते हैं ये। तो फिर से आप लोग अब इसका थोड़ा सा कलर मिला लीजिए, क्योंकि सभी फ़ोटो लग चुका है तो एक जैसे हो जाए। तो उसके लिए टूल्स पे क्लिक कीजिए, फिर से यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सभी में से मिला लीजिए थोड़ा थोड़ा। बस फिर से सही के आइकन पे क्लिक कर दीजिए। अब आइए तो दोस्तों इस पे अब कुछ लिखने के लिए मैं दूसरा ऐप यूज़ करता हूँ, क्योंकि इस ऐप में उतना मुझे समझ में नहीं आता, जैसे कि राइटिंग उतना ज़्यादा नहीं दिया है, तो मैं दूसरे ऐप से यूज़ करता हूँ। तो उस ऐप से मैं आप लोगों को एक बार लिख के बता दे रहा हूँ। अब दोस्तों इसमें लिखने के लिए रह गया है, तो उसके लिए सिंपली आप लोगों को यहाँ से जो टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ से लिख लेना है। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि मैं लिखूँगा नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही एक PNG डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ, फिल्म का नाम उसका PNG मैं डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ, तो वो यहीं पर लगाऊंगा। जैसे कि मैं बैकग्राउंड हटाने के लिए बताया था, वहाँ से फिल्म का पोस्टर डाउनलोड करके उसमें से काट करके फिर बैकग्राउंड हटा दिया था, तब जा करके वो वहाँ पर आ चुका था। तो मैं वही वाला लिखावट यहाँ पर लगाऊंगा। फिर मैं ऐड फोटो पर क्लिक करता हूँ। ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद अभी देखिए यहाँ पे दिखाई देगा PNG, देख सकते हैं ये, तो ये वाला मैं ले ले रहा हूँ। आप लोग उससे भी लिख सकते हैं, पिक्सआर्ट में भी लिख सकते हैं। ऐड पे क्लिक करके इसको जहाँ कहीं पे भी एडजस्ट करना चाहते हैं कर दीजिए। ये देख सकते हैं ये यहाँ पे हो गया। फिर से ऐड फोटो पे क्लिक कीजिए, फिर देखिए मैं ये लिखा हूँ तो इसको भी ले ले रहा हूँ। फिर ऐड पे क्लिक करके ये ले लीजिए। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बहुत ही बेहतरीन हो चुका है। फिर से सही के आइकन पे क्लिक करके इसको यहीं पे सेव कर दीजिए। अब दोस्तों फिर मैं इसी ऐप से लिख के एक बार बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो मैं इस पे जाता हूँ, जाने के बाद यहाँ पे मैं इन सिंगरों का नाम लिख दे रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे किनारे लगा दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। और फिर इसका मैं बारीकी भी दे दे रहा हूँ किनारे का,
इस पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कीजिए। देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है। ये वाला मुझे नहीं लगाना है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये वाला लगाऊंगा। देख सकते हैं ये, अब देख सकते हैं इसके किनारे किनारे काला काला हो गया, तो मस्त दिखाई दे रहा है दोस्तों। ऐसे इससे भी आप लोग लिख सकते हैं, और भी मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ और भी लिख के दिखा दे रहा हूँ। टेक्स्ट पर फिर से क्लिक कर रहा हूँ, भोजपुरी मूवी। फिर इसको भी यहाँ पे क्लिक करके सही आइकन पे फिर से इसको छोटा करके, ये मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। फिर इसको भी यहाँ पे टी पे क्लिक करके इसको भी थोड़ा सा बारीकी दे दीजिए, काला में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये पोस्टर अभी तैयार हो चुका है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा, बहुत ही आसान है पोस्टर बनाना। जैसे कि आप लोग ये वीडियो देखे होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि आप लोगों को बारीकी से कहीं से भी PNG में जो बैकग्राउंड हटाने के लिए कहीं पर भी आप लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मात्र डायरेक्ट एक क्लिक में PNG भी बन जा रहा है, आपका बैकग्राउंड भी हट जा रहा है। तो इतना आसान कोई भी नहीं बताता है, मैं जितना आसान बताया हूँ। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और इस वीडियो को देखिए। अगर आप लोग ये वीडियो सही तरीके से देख लिए तो आप लोग चाहे जैसा भी पोस्टर हो, किसी भी फिल्म का हो या गाने का हो, आप लोग बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो जब भी लेकर के आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।